नमस्कार साथियों, मैं लुणाराम और आप देखना शुरू कर चुका है मेरा YouTube और Facebook पेज। मानविंदर सिंह जसोल को लेकर जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा पार्टी में वापसी होगी, उसी को लेकर ये खबर है कि मानविंदर सिंह जसोल का इसी को लेकर एक बड़ा जो बयान सामने आया है और जिसमें सीधे तौर पर मानविंदर सिंह जसोल ने भाजपा पार्टी में वापसी मतलब घर वापसी को लेकर सीधे तौर पर जो संकेत दिए हैं वो अपने आप में एक बड़े संकेत हैं इस बयान के जरिए। बयान में सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि मेरे अधिकतर जो कार्यकर्ता है वो भी यही चाहते हैं, तो मतलब साफ है कि अब जो है वो भाजपा पार्टी में वापसी को लेकर जो संकेत है इस बयान के जरिए वो कहीं ना कहीं आगे ये कहें धरातल पर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में भी ये लगातार चर्चाएं कयास लगाए जा रहे थे कि मानविंदर सिंह जसोल वापस भाजपा में आ सकते हैं, कांग्रेस को छोड़ मानविंदर सिंह जसोल वापस भाजपा में आ सकते हैं और उसी को लेकर लगातार जो हर बार जितने भी पिछले चुनाव आए उसमें लगातार कयास रहे। 2023 का जो विधानसभा चुनाव जो हाल ही में हुआ है उसमें कांग्रेस ने उन्हें टिकट देकर, हालांकि उन्होंने टिकट किसी और जगह से मांगी थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें सिवाना से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन वहां हार गए। 2018 में भी कांग्रेस ने वसुंधरा राजे के सामने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था, वो वसुंधरा राजे के सामने कांग्रेस की टिकट पर कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था, हालांकि वहां पर भी हार गए थे। आप सबको पता है कि जसवंत सिंह परिवार और वसुंधरा राजे के बीच में शुरू से जिस तरीके के जो रिश्ते रहे और धीरे धीरे जो दरार बढ़ी और जिस तरीके से मानविंदर सिंह जसोल ने भाजपा को टाटा किया, भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की, उसके बाद में उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव भी लड़ा और सीधे तौर पर ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो 2023 हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस ने उनकी इच्छा अनुसार जहां से वो टिकट चाहते थे वहां से कांग्रेस ने टिकट नहीं दी और जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस ने उन्हें सिवाना से चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन वो वहां पर हार गए और वहां पर भाजपा की जीत हुई। अब जो कयास लगाए जा रहे थे कि मानविंदर सिंह जसोल वापस भाजपा में वापसी हो सकती है, जिस तरीके से राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, जहां पर जिस चेहरे को बड़ी मजबूती के तौर पर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर बताया जा रहा था, जिसमें राजस्थान में वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश में तो वसुंधरा राजे को राजस्थान में भाजपा ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया और भजन लाल शर्मा को बनाया, जिसके बाद में जिस तरीके से एक बयान और उस बयान में जिस तरीके से जो खुशी जाहिर की है मानविंदर सिंह जसोल ने, वो अपने आप में भले ही वो बिन बोले खुशी हो लेकिन वो संकेत सीधे तौर पर उस ओर है। और ऐसे में मानविंदर सिंह जसोल को लेकर जो लगातार कयास है कि अब उनकी भाजपा पार्टी में वापसी हो सकती है, उसी को लेकर जिस तरीके से जो बयान दिया है मानविंदर सिंह जसोल ने हाल ही में, उस बयान में सीधे तौर पर ये भी कहा है कि मेरे जो अधिकतर कार्यकर्ता है वो यही चाहते हैं। तो ऐसे में मानविंदर सिंह जसोल को लेकर जो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी भाजपा पार्टी में वापसी हो सकती है, उसी को लेकर ये कयास जो है वो आने वाले समय में मतलब इसी जो जनवरी माह है इसी में ही धरातल पर देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे में राजनीतिक गलियारों में जो एक जो बड़ा घटनाक्रम है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि जो कयास है वो कब तक पूरे होंगे, क्या कुछ होगा, लेकिन मानविंदर सिंह जसोल के इस बयान के बाद में उस कयासों को लेकर जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो तेज हो गई है। तो मैं आपका साथी लूणाराम, बाड़मेर।